नंदगांव के पास 13 कदम है, वहाँ पर रूप गोस्वामी रहा करते थे, उनकी भजन कुटी है। रोते रहते पड़े पड़े, सुना है ब्रज में आते हैं तो राधा रानी बड़ी कृपा करती है, पर यहाँ तो ऐसा कुछ देखने को है ही नहीं, यहाँ तो राधा रानी एकदम हमारे लिए तो कठोर हृदय बन के बैठी है। रोते रहते एक दिन खबर आई, सनातन गोस्वामी आ रहे हैं आपसे मिलने। अब भाई आ रहे हैं, क्या देंगे उनको, कुटिया में तो कुछ है ही नहीं खिलाने पिलाने को। मन में भाव है, काश थोड़ी कुछ सामग्री होती तो सनातन गोस्वामी के लिए खीर बनाते। अब खीर कैसे बनाए, सामग्री तो है नहीं। लेकिन तब एक छोटी सी ब्रज की बालिका आई और आकर के रूप गोस्वामी को बोली, बाबा इतने दिनंते तू मधुपुरी लेने ना आयो गांव में, काहे को बीमार है का? अरे लाली नाना, बीमार तो ना हूं। अच्छो बीमार ना है तो ले, मैया ने तेरे ताई कछु दूध कछु मीठो कछु चावल भेजे, खीर बना के पाए लीजो। रूप गोस्वामी बोले, लाली कहा करूंगो मैं पाके, या ते बढ़िया तो मैं भूखो भूखो यहां मर जाऊं तो ही बढ़िया। अरे बाबा कैसी बात कर रहे हो तू, और तू दिन भर रो तो ही काय कूरे बाबा, तो फिर रोने के अलावा कछु काम ना है का? रूप गोस्वामी बोले, लाली कहा बताऊं, और रोए ना तू का करूं, क्यों ऐसी का बात है गी रोने की? अरे लाली तू जाने ना है, जाके ताई मैंने सब कछु छोड़ो, जाके निया में सब कुछ छोड़ के या ब्रज में पड़ो, व राधा रानी ने मोकू बिसरा दी, भूल गई मोकू, मेरी तरफ निहार भी नहीं रही, मेरी तरफ देख भी नहीं रही, मेरे ऊपर कृपा भी नहीं कर रही। ना ना बाबा कैसी बात करो बाबा, तू जाने ना है, अरे तोकू बंगाल ते या ब्रज में बुला लियो, कृपा तो तोपे है गई, समझ, कृपा तो तोपे है गई, राधा रानी की तोपे खूब कृपा है, तू ना रोए मत करे, ले या खीर बना के पा लीजो, और नाए पावे को तो राधा रानी दुख पाएंगी। देके खीर श्री राधा रानी वहां से चली गई। अब रूप गोस्वामी ने खीर प्रसाद बनाई, सनातन गोस्वामी आए, उन्होंने पाई, पाते ही एकदम उन्मत्त हो गए, समझ गए किसने बनाई है ये खीर, कौन लाया है। एक लाली आई थी ब्रज की, खीर देख के चली गई। अरे रूप वो लाली नहीं थी तो तेरे ऊपर कृपा करने के लिए साक्षात श्री किशोरी राधा रानी आई थी। आहा अब तो गोस्वामी जी बावरे हो गए, चारों तरफ रोते 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 हा राधा श्री राधा करते करते पूरे ब्रज मंडल में बावरों की भांति घूम रहे हैं।